पाकिस्तान कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की खुले समंदर में बड़ी कार्रवाई, भारी मकदार में बैरून मुल्क से लाई गई शराब स्मगल करने की कोशिशें नाकाम बना दी। चीफ कलेक्टर कस्टम्स सैफुद्दीन जुनेजो और कलेक्टर प्रिवेंटिव साकिब सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बरामद की गई शराब की मालियत 17 करोड़ रूपये है। कस्टम्स हुकाम ने बताया कि कार्रवाई कराची से 70 नॉटिकल माइल दूर सुमियानी के करीब खुले समंदर में की गई। कस्टम्स ने किसी दूसरी एजेंसी की मदद के बगैर अपने तौर पर यह कामयाब ऑपरेशन किया। दुबई से आने वाली एक लॉन्च को रोकने पर लॉन्च पर मौजूद स्मगलर्स ने कस्टम्स के हमले पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के दौरान स्मगलर छोटी कश्ती में रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, तहम लॉन्च को कब्जे में ले लिया गया। तलाशी के दौरान लॉन्च से गैर मुल्की शराब की 9,500 बोतलें और 720 कैन बरामद हुए। बरामद की गई शराब की मालियत 17 करोड़ रुपए और जब्त की गई लॉन्च की मालियत 2 करोड़ रुपए है। कलेक्टर प्रिवेंटिव साकिब सईद ने बताया कि स्मगलिंग के खिलाफ मौसर इकदाम से मुल्की सनअतों में बेहतरी आ रही है।